जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, मैं बताता चलूं कि रिगार्डिंग लेक्चर मैंने इसलिए शुरू किए कर दिए हैं कि आप लोगों की अदम दिलचस्पी की वजह से मोस्टली देखना पड़ता था, वहाँ जूम के ऊपर आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था। तो अब मैंने उसको डायरेक्टली रिकॉर्ड करके ही सेंड करना शुरू कर दिया है, और उनका जो रेफरेंस है वो आपके ग्रुप में आ जाया करेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। अच्छा, एक और चीज़ भी बताता चलूँ बेटा, कि ये जो स्लाइड्स वगैरह का सिस्टम है, ये इसलिए नहीं शुरू किया, हालांकि इन चीज़ों को मैं बड़ी रंग बिरंगी स्लाइडों से भी आप लोगों को सिखा सकता था, समझा सकता था। मैंने आपकी किताब को साथ लेके इसलिए चला हूँ कि आप लोगों के लिए आसानी रहे। कल को आपने किताब से ही याद करना है और इम्तहान देना है, और अपने कोर्स के अंदर रह के आपने काम करना है, ठीक है। अदरवाइज इसको वो फॉर्मेट करके, इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव करके, पावर पॉइंट की स्लाइड्स या पीडीएफ स्लाइड्स के अंदर भी आप लोगों के साथ ये टॉपिक बड़े बेहतरीन अंदाज से डिस्कस किए जा सकते थे, जैसे कई मेरे साथी कर भी रहे हैं। लेकिन मैंने इसलिए उसको नहीं किया कि फिर आप बच्चों को ना परेशानी होती है रिगार्डिंग कि अब हम तैयार कहाँ से करें, किताब से करें या इन स्लाइडों से या नोट्सों से, या फिर उनके प्रिंट निकलवाने पड़ते हैं वगैरह वगैरह। इसलिए मैं साथ उसको ही लेके चल रहा हूँ, किताब को। सो बेटे, हम आज पढ़ रहे हैं सीपीयू। एज यू आर क्वाइट फैमिलियर दैट सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का सबसे अहम तरीन हिस्सा होता है, कंप्यूटर के बगैर काम नहीं कर सकता, इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं। आम तौर पर यह कंप्यूटर के दिमाग के तौर पर काम करता है। याद रख लें, जितना भी वर्किंग होती है, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, वो सारी की सारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। और ये कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड होता है, जो मेन बोर्ड होता है, इसके ऊपर लगा होता है, उसके ऊपर इसको लगाया जाता है, ठीक है। पहले तो एक ही प्रोसेसर होता था, अब तो डुअल का मतलब होता है दो, और क्वाड का मतलब होता है क्वाड कोर चार, और इस तरह मल्टीपल एंड पैरेलल प्रोसेसिंग का कंसेप्ट आ गया है। सो जितने भी ऑपरेशंस हैं जो डेटे को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, जितने भी ऑपरेशंस, वो सारे के सारे जो हैं वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से ही परफॉर्म किए जाते हैं। और यही वो डिवाइस है, यही वो पुर्जा है, यही वो कंपोनेंट है जो बुनियादी तौर पर सारी प्रोसेसिंग करता है। बेसिकली प्रोसेसिंग क्या है? डेटे को इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देना, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो इसका एक खास तरीकाकार होता है, ठीक है। ये तमाम तरह के कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करने हों या लॉजिकली काम करने हों, वो आगे हम इसके मुख्तलिफ पार्ट्स के हवाले से देखते हैं, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म करता है, ठीक है। अभी हमने बात की कि ये मल्टी कोर्स होते हैं। मल्टी कोर का मतलब ये है कि एक चिप जो है उसके ऊपर दो या दो से ज्यादा अलहदा से प्रोसेसर लगे होते हैं, ठीक है। तो कॉमनली जो मल्टी कोर्स हैं उसमें डुअल कोर है, ठीक है, वो चिप जो दो सेपरेट प्रोसेसर पर मुश्तमल होती है, और क्वाड कोर है जो चार प्रोसेसर के ऊपर मुश्तमल होती है। ये आगे उसकी आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल कोर और डुअल कोर, और इसको वो कैसे परफॉर्म करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग की यूनिट के बुनियादी तौर पर दो हिस्से होते हैं, ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट। बेटे, अ पार्ट ऑफ CPU विच परफॉर्म ऑल अरिथमेटिकल फंक्शन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन आर परफॉर्म इन अरिथमेटिक यूनिट, एंड नेक्स्ट इज बी नोन एज अ लॉजिकल यूनिट वेयर
different types of arithmetical functions are performed, like less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, not equal to. हम दोबारा से उसको शेयर करते हैं, बीच में खलल आ गया जी बेटे. हम बात कर रहे थे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दो हिस्से होते हैं, ALU और CU. अच्छा, कुछ किताबों में ना तीन हिस्से भी लिखा गया है, AU अलग लिखा गया है, LU अलग लिखा गया है और CU को अलग लिखा गया है. AU को अर्थमेटिकल यूनिट कहा गया है, LU को लॉजिकल यूनिट कहा गया है और CU को कंट्रोल यूनिट कहा गया है. अगर आप ऐसे भी कर लें तो भी बिल्कुल ठीक होगा, कोई मसला नहीं है. ठीक है, सो अर्थमेटिकल क्या होता है कि वो हिस्सा जहाँ पे जमा, तफरीक और ज़र्ब तकसीम के काम होते हैं, और लॉजिकल हिस्सा वो होता है जहाँ पे चीज़ों को कंपैरिजन किया जाता है. आपने लॉजिकल फंक्शंस पढ़े होंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं और ये सारे के सारे लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. इस तरह के जो काम हैं और जमा, तफरीक, ज़र्ब तकसीम के काम हैं वो जिस हिस्से में होते हैं उसको ALU कहते हैं. ठीक है, ये आगे उसके सब कंपोनेंट्स यहां बना के उसको दे दिया गया है कि अर्थमेटिकल यूनिट में अर्थमेटिकल फंक्शन होते हैं और लॉजिकल यूनिट में लॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है. और जो दूसरा हिस्सा होता है बेटा उसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट. व्हाट इज कंट्रोल यूनिट? ये कंप्यूटर का बड़ा अहम हिस्सा होता है. इट वर्क्स जस्ट लाइक अ सुपरवाइजर. ये चीज़ों को चेक करता है, कौन सा काम ठीक हो रहा है, क्या सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, और ओवरऑल जैसे नाम से जाहिर है ये कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है. कौन सी कमांड नेसेसरी है, कौन सी कमांड को पहले परफॉर्म करवाना है, किस कमांड को बाद में परफॉर्म करवाना है, यानी जितने भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं उन सारे चीज़ों को ये हिस्सा कंट्रोल कर रहा होता है. अच्छा, अब हम देखते हैं मशीन साइकिल. प्रोसेसिंग का जो साइकिल है वो कैसे होता है? बेसिकली जो प्रोसेसिंग का साइकिल है वो चार स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है. पहले को हम बोलते हैं फेच इंस्ट्रक्शन, दूसरे को बोलते हैं डिकोड इंस्ट्रक्शन, तीसरे को एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, चौथे को स्टोर इंस्ट्रक्शन. फेच इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं कि जब प्रोसेसर मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को लोड करके अपने अंदर लेके आता है, अपने रजिस्टर्स में लोड करता है जिसके ऊपर वर्किंग करनी होती है. देखिए, हमने ये पढ़ा है कि जब भी सिस्टम प्रोसेसिंग करता है तो वो रैम के अंदर होती है. अब रैम के अंदर तो आ गया डाटा, अब उस डाटे में से जिस डाटे के ऊपर प्रोसेसिंग करना है उसको वो उठा के अपने पास लेके आता है, अपने अंदर लेके जाता है, अपने रजिस्टर्स में रखता है. ठीक है, तो वो जब रैम से वो डाटे को उठाता है, अपने पास लेके जाता है, उस स्टेप को बोलते हैं फेच इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, डिकोड इंस्ट्रक्शंस ये होता है, अब जब डाटा प्रोसेसर के पास आ जाता है तो प्रोसेसर देखता है कि ये किस तरह का डाटा है, इस पर मैं अर्थमेटिकल फंक्शन करूं यानी जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम का काम करूं, या लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करूं. मुझे कौन से काम करने पड़ेंगे कि जो मतलूबा रिजल्ट है वो हासिल हो जाएगा, यानी आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगी. जब वो एग्जामिन करता है, नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को डिटरमिन करता है कि मैं फर्दर कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करूं, कौन कौन से काम करूं तो आउटपुट प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी, दिस इज नोन एज डिकोड इंस्ट्रक्शंस. और चौथा जो स्टेप होता है उसको कहते हैं एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, यानी फाइनली जब वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर लेता है तो उसको एग्जीक्यूट करता है, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन. और चौथे स्टेप के ऊपर वो चीज़ों को स्टोर करता है फर्दर महफूज करने के लिए. ठीक है, और उसको हम बोलते हैं स्टोरिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन. ठीक है, ये चारों के चारों जो स्टेप हैं इनको ओवरऑल हम मशीन साइकिल कहते हैं. ठीक है, ये हम तस्वीर में अगर देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपकी मेमोरी है, ये जो वाला हिस्सा है ये सारा ब्लैक ब्लैक बॉर्डर, ये सीपीयू सारे का सारा. ठीक है, ये मेमोरी रैम आपकी है. रैम से जब इंस्ट्रक्शन यहाँ आई, पहला स्टेप इसको कहते हैं फेच इंस्ट्रक्शन.
ये फिर उसने डिकोड किया कि अब मैंने क्या काम करना है और आउटपुट निकले, इसको कहते हैं डिकोड इंस्ट्रक्शन। फिर वो उसने जवाब निकाल के यहाँ दे दिया, जब नजर आ रहा है जवाब तो इसको कहते हैं एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, और जिस जब ये यहाँ पे आके स्टोर होता है इसको कहते हैं स्टोर इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो तरह के टाइम होते हैं, आई टाइम और ई टाइम। सर वो वक्त जो फेच और डिकोड करने में लगता है, फेच और डिकोड करने में जितना टाइम चाहिए होता है उसको बोलते हैं आई टाइम, इंस्ट्रक्शन टाइम, ठीक है। और वो टाइम जो एग्जीक्यूट और स्टोर करने में उसको लग रहा होता है उसको कहते हैं ई टाइम, एग्जीक्यूट टाइम। आई टाइम इंस्ट्रक्शन टाइम, ई टाइम एग्जीक्यूट टाइम, ठीक है। अगली चीज आती है सिस्टम क्लॉक। बेटा सिस्टम क्लॉक क्या होता है? बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जनरेट करता है बड़ी तेज स्पीड के साथ, ठीक है। और ये कंप्यूटर के मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं उनको क्लॉक टिक्स की मदद से कंट्रोल कर रहा होता है। बेसिकली क्लॉक टिक्स क्या होते हैं? दैट्स नोन एज क्लॉक साइकल्स, ठीक है, के सीपीयू किस स्पीड के साथ सिस्टम को परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। क्लॉक टिक्स जो होते हैं वो मिलियंस भी होते हैं, बिलियंस भी होते हैं एक सेकंड के अंदर। जितने ज्यादा क्लॉक टिक्स होंगे किसी भी सीपीयू के, उसकी उतनी ही स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। और कंप्यूटर की जो स्पीड है वो सारी की सारी इसी के ऊपर बेस कर रही होती है कि अगर कोई सीपीयू जो इंस्ट्रक्शंस को ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर रहा है एक सेकंड के अंदर तो ऑब्वियसली उसके क्लॉक टिक्स ज्यादा हैं, और अगर कम इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके क्लॉक टिक्स कम है। तो ये जो सिस्टम क्लॉक होता है ये डिटरमिन करता है, और इससे ही किसी भी प्रोसेसर की स्पीड को मेयर किया जाता है। और स्पीड मेयर करने के लिए मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। मेगाहर्ट्ज़ का मतलब ये होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो पर साइकिल है, और गीगाहर्ट्ज़ का मतलब होता है बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर साइकिल है, ठीक है। आगे दो टर्म आती हैं, मिप्स और फ्लॉप्स। याद रख लें कि ये दोनों टर्म भी सिस्टम की स्पीड को मेयर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। वर्क सेशन या कुछ जो सर्वर्स हैं उनकी स्पीड को मेयर करने के लिए हम मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड मिप्स को इस्तेमाल करते हैं, और इसकी रेंज क्या होती है? 200 से 1200, ठीक है, मेन फ्रेम की जो मिप्स होती हैं, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको मेयर करने के लिए हम फ्लॉप्स इस्तेमाल करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड्स। किसी भी सुपर कंप्यूटर की स्पीड को हम फ्लॉप से मेजर करते हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन किसी भी मेन फ्रेम को या सर्वर को या छोटे लेवल के जो वर्क स्टेशन होते हैं, सर्वर होते हैं, उनको उनकी स्पीड मैप से मेजर की जाती है, और वर्क स्टेशन की सॉरी सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो फ्लॉप से मेजर की जाती है, ठीक है। यहाँ तक आज हम देखते हैं, इसके बाद फिर अगला ये रैम के हवाले से और इसके फैक्टर्स के हवाले से नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा इस हवाले से। कोई भी सवाल आपका बनता हो, कोई भी आपने चीज़ पूछनी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, और यूट्यूब के ऊपर चैनल जो कॉलेज का उसके ऊपर जाके आप इस वीडियो को देख कर इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।